काफ़ी कम आई है इस बार, और इसमें यही है कि मैं मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हमें उस तरह के पर्क्स और कोई बेनिफिट्स भी नज़र नहीं आते हैं, जो कि बाहर के मुल्कों में हमने सुना है टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपको इन फैसिलिटीज़ भी उस तरह से मिल रही होती हैं। यहाँ पे हम लोग हेल्थ केयर के मामले बात करें, हॉस्पिटल्स में जाएँ वो भी इतने एक्सपेंसिव हैं, एजुकेशन की बात करें वो भी हम प्राइवेट सेक्टर को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना स्टैंडर्ड है ना ही कोई और मेयार, किसी चीज़ का मेयार उस तरह से नहीं है। तो फिर भी हमारे ऊपर ही टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी काफ़ी एक हाई अमाउंट ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, और टैक्स रेट को बढ़ाने के बजाय टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए उन्हें, टैक्स नेट बढ़ाए, बिल्कुल टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। अच्छी इन्होंने बात की, आप बताएं जी आपकी भी सैलरी कम आई होगी। जी ऑब्वियसली सैलरीज कम होती जा रही हैं, और जहाँ पे आप इवन कोई चीज़ अगर हम बाय करते हैं, तो आप अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम गर्ल्स हैं ग्रॉसरी के लिहाज से, या कोई आपको पता है अगर छोटी सी एक पहले क्रीम हमें 500 या 600 की मिल रही थी, कॉस्मेटिक की बात कर रही हैं, उसमें भी टैक्स लग गया। ऑब्वियसली वो अब हमारी 1100 to 1200 पे एकदम से जब 50% आ रहा है, तो गवर्नमेंट, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उनको पहले हमें जवाब देना चाहिए कि एक सैलरी है अगर, तो उस पर आप सैलरी बेस को ही क्यों बीच में ला रहे हैं। बिजनेस क्लास है जो लाखों करोड़ों में कर रहे हैं, तो क्या वो भी इक्वल अमाउंट में टैक्स पे कर रहे हैं, उनका भी कोई रिकॉर्ड है इस चीज़ का। ये बताएं कि लास्ट टाइम आपकी सैलरी कब बढ़ी? लास्ट टाइम तो अभी आपको पता है कि जो जून जुलाई का ही हमारा ईयर होता है, और मुझे हर तो साल बढ़ती है प्रॉपर, क्योंकि टैक्स हर साल लगता है, सैलरी भी बढ़ती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो अभी 8 month स्टार्ट है, तो अच्छा। इस साल बढ़ी है, बट बढ़ने से ज़्यादा जो तो टैक्स हम पे करते हैं, तो वो इक्वलाइज क्या माइनस में ही चला जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, लिविंग स्टैंडर्ड स्टेटस कितना मुतासर हुआ? आई थिंक जो हम पहले 3-4 साल पहले लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते थे, वो इस सैलरी के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज सैलरी में लेट्स से अगर 10% इंक्रीज आता है, तो उससे डबल आपका टैक्स पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से वही चीज़ें उसी सैलरी में ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो गया। और फिर जिस तरह सबने कहा कि अगेन हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, सैलरी पे भी टैक्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं, इंटरनेट के, हर चीज़ के बिल्स पड़ गए हैं, तो वो मैनेज करना मुश्किल है ऑब्वियसली। एंड देन वर्क फोर्स आपको आई थिंक इतना हमें पे नहीं करी जिस हिसाब से हम हमारे बिजली के बिल में और इधर से खाने के खर्चे में, बिकॉज हर जगह कॉस्मेटिक्स हो गया, डिफरेंट इवन मेडिसिन वगैरह हो गई, उन पे भी आप टैक्स भी पे कर रहे हो, और फिर इलाज भी महंगा है, आपको वो प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो रही जिस तरह से टैक्स लिया जा रहा है, फिर आई थिंक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। ठीक हो गया, बिजली का बिल है, स्विगी गैस का बिल है, इंटरनेट का बिल है, आप इवन दूध लेने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, उसको बस सेल टैक्स दे रहे हैं आप, आपकी सैलरी में फ़र्क पड़ा? यस, यही मैं अभी हमारे डिपार्टमेंट में डिस्कशन भी यही चल रही थी कि जब हमारी इस जून जुलाई के ईयर में हमारी पेज इंक्रीज़ हुई है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारी पेज इंक्रीज़ हुई है, बट एट द सेम टाइम जितना हमारा एडिशन कॉस्ट हुई, इंक्रीमेंट लगा, उससे ज़्यादा तो हमारा टैक्स कट गया, तो जो एक्साइटमेंट थी वो सारा हमारा डाउनफॉल एकदम से, ज़्यादा कमाने वाले लोगों में शामिल हो गए। या बट ये कि डाउनफॉल लोगों का अभी से स्टार्ट इसी वजह से हुआ है कि आपके टैक्सेस इस तरह से हो गए हैं कि इवन के जो सैलरीड क्लास है वो भी हमें कॉल करके पूछ रही कि इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो इतनी मतलब लो कॉस्ट पे हैं, तो हमारा सपोज़ कि 1 या 2000 कॉस्ट आती थी, अब वो 5-6 पे चली गई, तो क्या आपने इंटरनेट सर्विसेज को इंक्रीज़ कर दिया है? सो जब हमारी पूरी उस पे चेक इन बैलेंस हुआ, तो हमें यही एनालाइज़ किया कि वो सारा टैक्स ही है। जैसे सबके लिए बैक डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, हर कोई सैलरीड पर्सन के मतलब टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, मेडिसिन वगैरह महंगी हो गई हैं, कॉस्मेटिक्स महंगा हो गया है, बाकी जो हमारी अगर इवन लाइक अगर सैलरीज बढ़ भी रही हैं, प्रमोशन हो भी रही है, तो उस केस में भी जो है वो हमारी अच्छा खासा टैक्स कट रहा है, तो हाँ। उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा एस एच हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। नया माली साल शुरू हो गया जी, टैक्सेस इजाफा हुआ, कितना फ़र्क आया सैलरी में? सैलरीज हमारे सैलरीज के अंदर इंक्रीमेंट लगा था, लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा हो गया कि जो इंक्रीमेंट आया था वो सारा टैक्स में निकल गया। देखें टैक्स देना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हमें उसके मुकाबले में जो फैसिलिटीज़ मिल रही है ना, वो उसके मुताबिक नहीं है। हम कहते हैं कि टैक्स लें, सबसे लें, उसके मुकाबले में हमें सेम फैसिलिटीज़ दें। आप बताएं जी नई सैलरी आपकी आई होगी डेफिनेटली टैक्सेस बढ़ के। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारी सैलरी वही बात है कि अगर एनुअल या बाई एनुअल बढ़ती है, उसके बाद टैक्स इतना लग गया है कि दोबारा वही बात है कि इंक्रीमेंट तो पहली बात है जिसको हम बहुत वेट कर रहे थे, उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो टैक्स देने से मसला नहीं है, ओवर चार्ज जब टैक्स होता है, बहुत ज़्यादा टैक्स होता है, उससे मसला है, और टैक्स के रिटर्न में हमें कुछ मिलता नहीं है, इस बात से मसला है। ठीक है जी, आप बताइए जी कितना फ़र्क पड़ गया, टैक्स कितना दे रहे हैं,
टैक्स तो अगर बताएंगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे और हम खुद हैरान परेशान हैं। अभी हम जो हैं ऑलमोस्ट 30-35% मंथली टैक्स दे रहे हैं अपनी सैलरी का। अब उसमें एक तो इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना ही मतलब कुछ नज़र आ रहा है कि आगे भी हमें कुछ मिलेगा। दूसरा मसला ये कि सिर्फ टैक्स जो दे रही है अभी सिर्फ जॉबियंस दे रहे हैं, जितने भी जॉब क्लास प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग हैं वो दे रहे हैं, और उसकी अयाशियाँ ये गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जितने लोग हैं वो कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो अभी पेंशन के ऊपर या सब्सिडी मिलती है सारे गवर्नमेंट वाले इदारों को मिलती है, कोई बिजली के इदारे में तो उसको सब्सिडाइज बिजली का बिल मिल रहा है, और हम लोग अगर 200 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो 8,000 बिल दे रहे हैं, 201 कर रहे हैं तो 16,000 बिल दे रहे हैं। तो अगर सिर्फ जॉबियन से टैक्स लेना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, सारे आपका ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है वैसे ऑलरेडी इतना ज़्यादा, सारे जितने भी स्किलफुल लोग हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, पढ़े लोग बाहर जा रहे हैं, उन्होंने उनको यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है ना। अब सिर्फ अगर यहाँ पे रह के टैक्स ही देना और हमें कुछ मिलना नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? आप बताएं जी क्या करती हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैनेजर काम कर रही हूँ एक कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में, और जो हमारी सैलरी में भी जो 40% टैक्स जो अमाउंट है वो मेरी टैक्स में पे ऑफ होती है एवरी मंथ। सो हम लोग ऑब्वियसली जैसे सब कहते हैं कि हम लोग टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स की छूट नहीं है किसी पे, और लेकिन टैक्स सिर्फ सैलरीड क्लास से ना लें, सब सेक्शन जितने भी तबका है जो भी शोबा है सबसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करें, और एट द एंड जो टैक्स हमसे कलेक्ट होता है उसके अगेंस्ट हमें कोई फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की जाती। हमारे मुल्क में हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है वो सिर्फ अब यही चीज़ सोचती है कि मैं मूव आउट कैसे करूँ। आप बताइए जी, सैलरी आ गई टैक्स कट गई, कितनी कमी हुई सैलरी में या कितना इजाफा हुआ? मतलब जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई थी तो मैं तो एचआर के पास जाने लगा था, मैं ये कहता था वेयर्स माय इंक्रीमेंट, बिकॉज इस साल इंक्रीमेंट भी लगा है। अच्छा। तो उसके बाद जब पे स्लिप्स आई तो रियलाइज हुआ कि सारे पैसे टैक्सेस में चला गया। इवन तो मतलब जो इंक्रीमेंट था वो गवर्नमेंट ने ले लिया बेसिकली।